becomes necessary. First, a person has fun but does not have sufficient skills. एक इंसान के पास फंड है, पैसा है, पर उसके पास स्किल नहीं है. ऐसी सिचुएशन में उसको जो है वो किसी इंसान के पास स्किल है, उसके साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा. सेकेंड पॉइंट है, पर्सन हैज सफिशिएंट स्किल्स बट डज नॉट हैव रिक्वायर्ड फंड्स. इंसान के पास स्किल्स है पर उसके पास फंड नहीं. ऐसी सिचुएशन में उसको जिसके पास फंड है उसके साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा, ताकि दोनों एक दूसरे का जो है वो बेनिफिट ले सके. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब तुम पार्टनरशिप करते हो तो तुम्हारा बिजनेस का रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाता है, जो सोल प्रोप्राइटर में नहीं होता. सोल प्रोप्राइटर में एक अकेला इंसान है जो पूरा का पूरा बर्डन उठाता है, रिस्क भी सभी उसका होता है. बट जब तुम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो तो वो पूरा बर्डन जो है वो एक से डिवाइड होकर अलग अलग लोगों के बीच में चला जाता है. सो टू डिस्ट्रीब्यूट दी बिजनेस रिस्क, तीन फैक्टर्स: पर्सन हैज सफिशिएंट स्किल्स बट डज नॉट हैव रिक्वायर्ड फंड्स, a person has required funds but does not have sufficient skills to distribute the business risk. इसलिए partnership existence में आया. Partnership है क्या? तो partnership जो है, section 4 of the Indian Partnership Act 1932, section खास याद रखना जरूरी है definition के लिए. section 4, Indian Partnership Act 1932, उसमें partnership का definition दिया है. तो definition दिया है, partnership is a relation between persons who agree to share the profit of the business carried by all or any one of them. Partnership जो है वो क्या है? Partnership एक relation है persons के बीच में. और ये person कैसे हैं? जो business का profit share करने के लिए agree होते हैं. और ये profit जो है, जो ये business है वो कौन चलाता है? सब मिलके चलाते हैं, या फिर कोई एक इंसान इन सब के लिए जो है वो ये business चलाता है. ऐसे business का profit share करने के लिए partnership create किया जाता है. तो ये definition है partnership का. एक person है जो इसके अंदर join होता है. Person who individually joins the partnership is called the partner. And collectively they are called the firm. उनको collectively जब सब साथ में जुड़ जाते हैं, सभी partner साथ में जुड़ते हैं, उनको हम firm बोलते हैं. हेलो, तो ये जो है वो partnership का definition. डेफिनेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स. कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट. पार्टनरशिप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होता है. कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और रिटन दोनों में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज्यादा एडमिसिबल रहता है. सो क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिस्टेंस में आता है. कॉन्ट्रैक्ट रिटन और ओरल दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज्यादा एडमिसिबल रहता है. प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, कोई भी बिजनेस होता है उसका जो है वो मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट कमाना. सो टू अर्न द प्रॉफिट एंड टू डिस्ट्रीब्यूट इट, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव. सो व्हेन द पार्टनरशिप इज फॉर्म, इन व्हिच प्रोपोर्शन द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज डिसाइडेड. पहले सबसे पहले क्या करना होता है कि प्रॉफिट किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिसाइड करना जरूरी है. अगर तुमने ये डिसाइड नहीं किया है, इफ पार्टनर्स डू नॉट क्लेरिफाई इट व्हाइल फॉर्मिंग द पार्टनरशिप, देन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस, सेम प्रोपोर्शंस में जो है वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है. लीगल बिजनेस पार्टनरशिप हमेशा कोई भी लीगली जो है वो अप्रूव्ड बिजनेस करने के लिए कर सकते हैं हम. नंबर ऑफ पार्टनर्स में जो है हमारी गवर्नमेंट को एम्पावर्ड किया गया है. गवर्नमेंट के पास इतना राइट है, इतनी सत्ता है कि गवर्नमेंट जो है वो नंबर ऑफ पार्टनर्स को 100 तक रख सकती है. बट मिसलेनियस कंपनीज एक्ट 2014 वाई रूल 10 में जो है वो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर किसी भी फॉर्म के अंदर 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50. एमसीक्यू में ये जो है वो खास पूछते हैं कि कोई भी एक पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टनर्स होते हैं और कम से कम कितने होते हैं. तो अगर कम से कम की बात करें तो 2 पार्टनर जरूरी है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, और ज्यादा से ज्यादा की अगर हम बात करें तो 50 होने चाहिए. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50. उसके बाद एक एजेंट ऑफ ईच अदर. पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के एजेंट्स हैं, एक दूसरे के किए हुए कामों के लिए सब लोग जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए उन लोगों को पार्टनर्स बोला जाता है. तो वो एजेंट्स ऑफ ईच अदर.
के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है. इट मींस इफ अ बिजनेस इज सफरिंग अ लॉस, बिजनेस के पास जो है वो सफिशिएंट फंड नहीं है, रिक्वायर्ड एसेट्स नहीं है, देन पार्टनर्स शुड हैव ब्रिंग देयर पर्सनल एसेट्स टू पे द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का डेब्ट चुकाने के लिए पार्टनर्स को अपनी खुद की एसेट्स जो है वो लेके आनी होती है. इसलिए यहां पे पार्टनर्स का जो है वो लायबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाता है. एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, ये जो पार्टनरशिप फर्म है उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ऑल द पार्टनर्स कंबाइन एंड मैनेज द फर्म या एनी वन पार्टनर हु मैनेज द फर्म, इट इज डिसाइडेड म्यूचुअली. ओके, सो दिस वाज कैरेक्टरिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन वाज दैट. अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रोविजंस जो है, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चीज का. यहाँ पे जो भी प्रोविजंस लिखे जाएंगे, यहाँ पे जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके हिसाब से आगे न्यूमेरिक्स में काम है. दैट विल इन्फॉर्म यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो प्रोविजंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. लुक कैरफुली जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है उसको ध्यान से देख लो, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो जो प्रोविजंस चलेंगे